और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री और आरजेडी के विधायक सुरेंद्र ने राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने अक्षत वितरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि युवाओं को नौकरी की जरूरत है, लेकिन बीजेपी नौकरी की जगह अक्षत बांटने का काम कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर राम के नाम पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लगातार बिहार के नेताओं की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि राम मंदिर के नाम पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा सके। और एक बार फिर से बिहार के एक और नेता सुरेंद्र राम ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज के युवाओं को नौकरी की जरूरत है, ना कि अक्षत की। युवाओं को नौकरी के जगह पर राम मंदिर के नाम पर ये अक्षत बांट रहे हैं, तो युवाओं को जरूरत है नौकरी की, अक्षत की तो जरूरत नहीं है। तो ये राम जी के नाम पर लोगों में ये भ्रम फैला रहे हैं और लोगों में स्नेह प्रेम पाना चाह रहे हैं। आप जबकि देखे होंगे कि जितना जो हमारे जो शंकराचार्य हैं वो सारे विरोध कर दिए। राम जी आगे हो जाते हैं और फिर चुनौवा खत्म हो जाता है, राम जी को पूछ बंद हो जाता है, फिर राम जी कहीं भी जाए। वो जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे, नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिया। चार शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और टीएमसी के बीच बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तकरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लगातार टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि जब तक बंगाल में टीएमसी सत्ता में है हालात ऐसे ही रहेंगे, तो वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए अधीर रंजन को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। तो बड़ी खबर आपको दे दें, इंडी गठबंधन में ये दोनों दल जरूर शामिल है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर टीएमसी पर अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए। बंगाल में कानून स्थिति बराबर खराब है, आज भी खराब है। जब तक सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी रहेगी तब तक खराब ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक है, पूरा भारत में सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर ये बंगाल में है। और अधीर रंजन चौधरी वो भाजपा का एजेंट है, वो ये 2021 में जो इलेक्शन हुआ था तो अकेले लड़के तृणमूल कांग्रेस भाजपा को डिफीट कर दिया था, और सीपीएम आईएसएफ के साथ मिलकर लड़ने के बाद भी जीरो मिला अधीर रंजन चौधरी को। इसीलिए वो भाजपा का पर्पस सर्व करने के लिए ये कंफ्यूजिंग डैमेजिंग स्टेटमेंट्स कर रहा है।